फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत पूरा देश पिछले कई दिनों से खतरनाक हिंसा की चपेट में है। 17 साल के युवक नाहेल की मौत के बाद फ्रांस में एक दशक का सबसे भयानक दंगा हो रहा है। प्रदर्शनकारी यहां खुलेआम अंधाधुन फायरिंग कर रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इस बीच दंगाइयों ने पेरिस के मेयर के घर पर भी हमला किया। ये हमला किसी दूसरे देश ने नहीं बल्कि फ्रांस में रहने वाले शरणार्थियों और वामपंथियों ने किया है। फ्रांस में जो लोग बिल्डिंग, हॉस्पिटल और गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर हमला करने वाले बच्चे और युवा हैं, और इनका जन्म फ्रांस में ही हुआ है। इनके माँ बाप पिता शरणार्थी बनकर फ्रांस में ही आकर बस गए थे, यानी फ्रांस ने जिन लोगों को रहने की जगह दी और उनके बच्चों को नागरिकता दी, वही फ्रांस पर हमला कर रहे हैं। अब इस हमले को देखकर भारत के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत में भी अवैध तरीके से शरणार्थियों और प्रवासियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शरणार्थी और प्रवासी कानूनी तरीके से भारत में आए तो समझा जा सकता है, लेकिन भारत में गैर कानूनी तरीके से आए शरणार्थियों और प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। फ्रांस के पेरिस, मार्सिले और लियोन जैसे कई बड़े शहरों में तबाही देखी गई। डेटा के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्रों में लगभग 3000 से ज्यादा आगजनी की घटना हुई है। 1500 से ज्यादा वाहनों को आग लगा दिया गया। 300 से ज्यादा आवासीय भवनों को भी आग लगा दिया गया। अनुमान के मुताबिक अरबों यूरो की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस की पुलिस को निशाना बनाया, जिसके कारण 200 से ज्यादा पुलिस अधिकारी घायल हुए। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये दंगा क्यों शुरू हुआ और स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? फ्रांस में कुछ महीनों पहले पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन इस बार का प्रदर्शन पुलिस की गोली से मारे गए 17 साल के युवक नाहेल की मौत के बाद हो रहा है। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाहेल डिलीवरी का काम करता था। जब वो अपनी पीली मर्सिडीज कार से जा रहा था तो पुलिस ने उसे रोका, तो उसने बात नहीं मानी और वहां से कार को बढ़ाने लगा। इतने पर पुलिसकर्मी ने गोली चला दी। नाहेल की गोली लगने से तुरंत मौत हो गई। अब सवाल खड़ा होता है, प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ? नाहेल उत्तरी अफ्रीकी मूल का एक मुस्लिम युवक था। लंबे समय से पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि वो नस्ल देखकर कार्रवाई करते हैं। नाहेल की हत्या ने पेट्रोल में चिंगारी का काम किया। पुलिस और प्रदर्शनकारी मंगलवार की रात नैनटेरे में भीड़ गए, जिसके बाद 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। लेकिन रात भर में सोशल मीडिया के जरिए ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। बुधवार की सुबह तक पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन देखने को मिला।